उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यह शायरी हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सोमवार को बजट पेश करने के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को बिहार के नए वित्तीय वर्ष के लिए आम बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने अपना पहला बजट सदन में पेश किया। बजट पेश करते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये बजट सर्वांगीण विकास का बजट है। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष योजना लाने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट में सात निश्चय योजना पार्ट टू के लिए 4671 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कोरोना के मुश्किलों के बावजूद आम लोगों को राहत देते हुए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। इस साल का बजट पिछले साल से 7000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि बिहार में इस बार का बजट 2,18,303 करोड़ रुपए का है। सदन में तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि 2,18,502 करोड़ का अनुमानित आय होने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट संतुलित है और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्ष 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में रही है, उस विकास दर को यह बजट और गति देगा। आइए एक नजर डालते हैं पेश किए गए बजट के मुख्य बिंदुओं पर। बजट का सबसे मजबूत पक्ष 20 लाख लोगों को इसी वित्तीय वर्ष में नौकरी और महिला सशक्तिकरण है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं लाने की घोषणा की है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए खजाना खोला गया है। कोई महिला अगर अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसे 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त 5 लाख रुपए का ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग में 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अगले 4 वर्षों में 7 निश्चय पार्ट टू की योजनाओं पर काम भी होगा। वहीं पशुओं का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी। टेलीमेडिसिन से पशु अस्पताल जुड़ेंगे। लोगों के घर पहुंचकर भी उनके पशुओं का इलाज किया जाएगा। गांव के विकास का आधार पशु एवं कृषि है, इससे ग्रामीण की आय में वृद्धि होती है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर गोपालन और मछली पालन का विकास किया जाएगा। मछली पालन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार के मछलियां दूसरे राज्यों में जाएंगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। 2025 तक 7 निश्चय पार्ट टू के तहत 7 निश्चय तय किए गए हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई है। उन्हें उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा। बाजार की मांग के अनुरूप पुराने शिक्षण संस्थानों को भी आधुनिक बनाया जाएगा। सभी ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को एक्सीलेंस बनाया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा जिसमें शिक्षण संस्थानों से दूर रहने वाले कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बजट पेश करने के दौरान तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 14 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा चुके हैं जबकि अन्य पर कार्रवाई चल रही है। इस वर्ष सबको पूरा कर लिया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद ने जिस शायरी के साथ बजट का आगाज किया था, हम उसी शायरी के साथ अपने वीडियो को खत्म कर रहे हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।